सो जिस टाइम पर हम लोग अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अपने इंडियन नेवी में शामिल कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर साउथ कोरिया से एक स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी काम के नहीं होते हैं। पर क्यों? सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक टकाटक। सो गाइस, जिस टाइम पर हम लोग अपने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो लोग उनकी सेना में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल नहीं करेंगे। इसकी जगह पे ये लोग किलर मिसाइल से लैस एडवांस सबमरीन्स की फौज बनाएंगे। अब आप देखोगे तो इंडिया में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट के अप्रूवल के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि इंडिया को अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट पे भी काम शुरू करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके ही बहुत एग्रेसिवली काम वगैरह करना चाहता है, नहीं, हम लोग एडवांस सबमरीन्स यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह पे भी काम कर रहे हैं। बट मेन सवाल यहाँ पे यही आता है कि ये जो साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज हैं, ये लोग क्यों अपनी सेना में एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह को शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो यार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब यार वीडियो में आप और आगे बढ़े तो उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यार हमने ना INS विक्रांत के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना है, एकदम कमाल का वीडियो है। मैं आपको बोलूंगा कि आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देखिएगा, बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखा है और आपको भी यार मतलब सच में वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा। अब देखिए, कुछ टाइम पहले तक ना साउथ कोरिया भी CUX नाम के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की बात कर रहा था, बट अब वहाँ पर ये मामला ठंडा दिखाई दे रहा है। अब इसकी जगह पर आप देखोगे तो दक्षिण कोरिया ना सबमरीन्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यार आज का जो दौर है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल का दौर है और जब से हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप हो गई हैं तब से ही एयरक्राफ्ट कैरियर की यूजफुलनेस पे सवाल उठने लगे हैं। अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता नहीं रखती है। अब आप देखोगे तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच में टेंशन हमेशा बने रहते हैं। अब नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लिया है। अब ये सब सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नो डाउट एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत अच्छे होते हैं बट ये साउथ कोरिया के लिए फिट नहीं बैठते हैं, जो प्रमुख रूप से नॉर्थ कोरिया से खतरे का सामना कर रहा है। और आप देखोगे तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से साउथ कोरिया अब सबमरीन बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि सबमरीन ना ये पानी के अंदर होती हैं। अब ऐसे में अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है तो बहुत चांस होता है कि सबमरीन सर्वाइव कर जाएंगे, वहीं पे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए थोड़ा टेंशन होता है। अब आप देखोगे तो चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है और भारत के पास इन मिसाइल का कोई जवाब नहीं। भारत के पास क्या पूरे वर्ल्ड में अभी किसी के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जवाब नहीं है? बट होता क्या है ना कि सभी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो यहाँ पर इन्हीं रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है नहीं बनाना है ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के बनाने के पीछे भाग रहा है, नहीं, भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स पे भी काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे ना कंक्लूजन एकदम सिंपल है, लोग अपने नीड्स के हिसाब से काम करते हैं। अब आप देखोगे तो साउथ कोरिया के रिक्वायरमेंट में एयरक्राफ्ट कैरियर फिट नहीं बैठता है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की यूजफुलनेस पे वो लोग सवाल उठाते हैं, उनके हिसाब से एयरक्राफ्ट कैरियर यूजफुल नहीं होते हैं। बट वहीं पे जो इंडिया की नीड्स है उसके हिसाब से इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है और इसी वजह से हमने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया और बहुत चांस है कि हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी अप्रूवल्स वगैरह मिल जाएँ। और अब ना शायद आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि क्यों साउथ कोरिया ऐसा कहता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये यूजफुल नहीं होते हैं। अब ना यार यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है। अब होता क्या है ना कि बहुत लोग आते हैं, वीडियोस को देखते हैं बट वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर लो ना यार, लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, इससे ना एक मोटिवेशन आता है यार। अब आपको पता ही है यार, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब आप देख सकते हो कितना मतलब पसीना हो गया है। तो यार ऐसा कुछ कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दो, इससे ना एक मोटिवेशन मिलेगा और फिर ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे। अब आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो इस वीडियो को लेके, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आए, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।